आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे कैसे अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप भारत के किसी भी स्टेट से हो यानी आप भारत देश के किसी भी राज्य से हो, आपका किसी भी राज्य का राशन कार्ड हो, उसे इजीली आप अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका था। बस इस वीडियो में आपको शुरू से अंत तक बने रहना है, उसके बाद से इजीली आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपना राशन कार्ड इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आप विजिट करें तो प्लीज़ रेड वाले बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट आपको बता दूँ कि आपको अपने राशन कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल या फिर गूगल क्रोम दोनों में से किसी एक का यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे गूगल क्रोम का यूज करने वाला हूँ। तो सिंपली आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर राशन कार्ड यहाँ पर डाउनलोड मैं कर किया हूँ। तो ऐसे ही आप भी अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर लोगे। तो उसको करने के लिए सबसे फर्स्ट आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना। क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना, सिंपली आपको क्या करना है, सर्च बार में आपको टाइप करना है राशन कार्ड। जैसे कि राशन कार्ड लिखकर आपको सर्च बार में टाइप कर देना। राशन कार्ड सर्च करने के बाद आपके सामने यह वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। सिंपली आपको इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है। हो सकता है ये वेबसाइट आपके फ़ोन में ऊपर नीचे आ सकता है, तो आपको देख लेना है इस वेबसाइट को। उसके बाद इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली थोड़ा देर वेट करना है। उसके बाद से आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन से अगर डाउनलोड कर रहे थे, यहाँ पर आपको थ्री डॉट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से आपको इसे डेस्कटॉप मोड में कर लेना। जैसे कि यहाँ पे डेस्कटॉप साइट दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ से करने के बाद से आपका डेस्कटॉप मोड में आपका फ़ोन हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको भारत देश के जितने भी राज्य हैं यानी यहाँ पे टोटल स्टेट आपको देखने को मिल जाता है। तो आप जिस स्टेट को सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ से जूम करके आप देख सकते हो, और आपको उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेना, क्लिक करना है। जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार पर क्लिक करता हूँ। तो सिंपली आपको बिहार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट पर ऑल पर दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं अपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको इसे अगर इसे आप जूम करना चाहें तो जूम भी कर सकते हैं। उसके बाद से आप इसे शो पे क्लिक कर देना है। शो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपको रूरल और अर्बन यहाँ पे देखने को ऑप्शन मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो रूरल पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप शहरी इलाके से हैं तो यहाँ पे अर्बन पे क्लिक करेंगे। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप ग्रामीण इलाके से या अर्बन इलाके से। उसके बाद से जैसे कि मैं ग्रामीण इलाका से हूँ तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको थोड़ा देर वेट करना है। उसके बाद से यहाँ पर आपको ब्लॉक, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ब्लॉक सेलेक्ट करने के, यानी आप किस ब्लॉक में आपका घर पड़ता है, यानी आप किस ब्लॉक से हो। तो यहाँ से आपको अपना ब्लॉक यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे भगवानपुर से हूँ तो मैं यहाँ पे इस ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद वहाँ से आपको यहाँ से अपना पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो आपको सिंपली अपने पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपको देख लेना है आप किस पंचायत से। उसके बाद से आपको उस पंचायत पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पंचायत पे क्लिक कर लेते हो, उसके बाद से आपको विलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। जो भी पंचायत होगा उस पंचायत का टोटल यहाँ पे गांव देखने को मिलता है, तो आप अपना विलेज यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप विलेज पे अपना क्लिक करते हो तो आपको विलेज पे क्लिक करने पर जितने भी आपके विलेज में राशन कार्ड होंगे सभी राशन कार्ड यहाँ से ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपको जैसे कि राशन कार्ड होल्डर नेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसका फादर या पति का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सिंपली यहाँ से आपको देख लेना। उसके बाद से आपको नीचे में आते हो, तो नीचे में आने के बाद देख सकते फ्रेंड्स, आपको थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी मेरे गांव का जो यहाँ पे राशन कार्ड का टोटल लिस्ट है वो 5, जैसे कि 5 पेज में है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज ओपन होगा, उसके बाद सेकंड, यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फाइव, यहाँ पे आपको जैसे कि बारी बारी से आपको अपने पेज पे क्लिक करके उसके बाद से इजिली आपको देख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी एक राशन कार्ड आपको यहाँ से डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो भी राशन कार्ड डाउनलोड करना हो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो उसके बाद से ये राशन कार्ड आपका डाउनलोड होने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये राशन कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फोटो दिखाई देगा होगा, वो राशन कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपका फोटो यानी जितने भी फोटो लगे होते हैं राशन कार्ड पे सभी फोटो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि डाटा यहाँ पे काफ़ी स्लो है इसलिए फोटो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे आपको टोटल फोटो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद से नीचे में आपको सदस्य का नाम यानी आपके फैमिली में जितने भी फैमिली मेम्बर का नाम इसमें होगा सभी फैमिली मेम्बर का नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको आपका डीलर होता है यानी जिससे कि आप धान चावल गेहूँ लेते हो जहाँ पे आपको राशन कार्ड से,
उसका नाम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद से इसे आप डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से इजीली आप प्रिंट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप इजीली यहाँ से जैसे ऐसे स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया विजिट करें तो प्लीज़ रेड वाले बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।